जतिन प्रसाद ने रोड शो में दिखाई ताकत, गैर कांग्रेसियों के उड़े होश। धौरहरा से कांग्रेस प्रत्याशी जतिन प्रसाद ने शनिवार को प्रचार प्रसार के अंतिम दिन ऐतिहासिक रोड शो निकालकर गैर कांग्रेसी दलों को दिखा दिया कि धौरहरा क्षेत्र की जनता उन्हें दिलो जान से चाहती है। जतिन प्रसाद के रोड शो में इतनी भीड़ होने के कारण उनके साथ चल रहे दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की वजह से नेशनल हाईवे पूर्ण रूप से जाम हो गया। इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रोड शो में शामिल मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि कहां से आए हैं और क्या कार्यक्रम है आज का? मोहम्मदी से आए हम लोग मोहम्मदी से आए हैं। प्रोग्राम था, जितिन जी का आज रोड शो था, और पिछली बार हमारी जनता ने बड़ी तगड़ी गलती कर दी थी कि गुमराह हो गए मोदी जी की लहर में, और इस बार हमने ये तय किया है कि विकासपुर जितिन प्रसाद को चुनाव जिताना है। हमारा धरौरा का विकास रुक चुका था, आज हमने ये पूरे क्षेत्र ने, लोकसभा ने ये तय कर दिया है आज के इसके रोड शो से कि आने वाला सांसद हमारा जितिन प्रसाद होगा, और जितिन प्रसाद ही इस लोकसभा का विकास कर सकता है, हर नौजवान को रोजगार दे सकता है, किसानों को उनका फसल का दाम दे सकता है, हर बुजुर्ग को सम्मान दे सकता है। सारी चीज़ें हमें चाहिए और वो उपलब्ध कराएंगे। वर्षियों में ये तय कर दिया जब ये सांसद थे कि वाकई में कोई सांसद होता तो जितिन प्रसाद जैसा होता। जनता का समर्थन मिलता है, जनता का प्यार है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनता ने जो मुझको विश्वास और प्यार और समर्थन दिया है, इस पर मैं खड़ा उतरूं। यही मेरी भगवान से प्रार्थना।